अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमास किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा पराठा। चलिए देखते हैं कितना ज़्यादा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेप वन है जिसमें मैं आपको फिलिंग के हिसाब बताऊंगी। ये मेरे पास 1 पाव मैंने चिकन लिया था, जिसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल कर लिया था, और बाद में मैंने इसका रिशा कर लिया है। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप, एक शिमला मिर्च चॉप, ये 1 कप पिज़्ज़ा सॉस, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून ऑलिव्स हैं, ये 1 टीस्पून ओरिगानो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 बड़े साइज का टमाटर चॉप, और ये मेरे पास 1/2 कप मोज़रेला चीज़ कद्दूकस और 1/2 कप चेडर चीज़ का कद्दूकस। चलें, ये फिलिंग की चीज़ें हैं, इन सबको हम पहले एक बॉल में मिक्स करेंगे। अब ये मैंने बोल लिया, इसमें डालूंगी मैं ये प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये चिकन के दोनों मोज़रेला चेडर चीज, ओरिगानो, काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, और ये इसमें चले गए ऑलिव्स। अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें जाएगी ये 1 कप पिज़्ज़ा सॉस। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। ये हमारी फिलिंग अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आटा गूंदेंगे। 1/2 किलो मैदा है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, और इसको मैं पानी से गूंद लूंगी, जैसे हम घर में आम आटा गूंदते हैं। सॉफ्ट सा आटा इसका गूंदेंगे, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा ये आटा नरम हो। ये देखिए, इसी तरह जैसे घर में आम आटा गूंदते हैं, वैसे ही मैं इसको गूंद रही हूँ। तकरीबन इसको आपने 2 से 3 मिनट गूंद लेना है। ये इसका आटा मैंने गूंद लिया है मैदे का। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 2 टीस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह लगा के, और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी मैं। ये आटे को गूंदे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, पेड़े लूँगी इसके, थोड़ा सा हाथों को मैं सूखा मैदा लगाऊंगी। रोटी जितना जो पेड़ा रहते हैं उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी, और इसको हम इस तरह 2 पेड़े बनाएंगे। ये 2 पेड़े हमने ले लिए। अब मैं इसको पहले 1 को बेलूंगी। ये देखिए, 1 को मैंने बेल लिया है। आपने जिस फ्राई पैन में पिज़्ज़ा पराठा बनाना है, आपने उसी साइज़ के ये रोटियां तैयार करनी है। ये 1 मैंने कर लिया है। अब इसको मैं साइड पे करूंगी, और इसी तरह ये दूसरा भी पेड़ा लेके इसको भी हम बेल लेंगे। ये दूसरे भी मैंने रोटी पराठे की बेल ली है। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर फिलिंग डालूंगी। अब इसके ऊपर हम फिलिंग डालेंगे। ये सारी फिलिंग इसके ऊपर डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर और डालेंगे। इसी तरह सारे इसके ऊपर डाल दें। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह हम इसको कवर कर देंगे, और थोड़े से किनारे इसके ऐसे हम मोड़ लेंगे। ये सारे किनारे इसके मैंने इस तरह मोड़ लिए हैं। अब फोक की मदद से हम इसमें थोड़े सुराख करेंगे। चलें,
अब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे। अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको मैं 1 से 1.5 मिनट इसी तरह पकने दूंगी। आंच मैंने इसकी लो टू मीडियम रखी हुई है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड में मैं ऑयल लगाऊंगी। अब इसकी मैं फिर साइड चेंज करूंगी। अब इसकी साइड चेंज करके ये हिस्सा नीचे कर देंगे। दोनों तरफ से पराठे की तरह गोल्डन कर लूंगी, ये देखें। फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा पिज्जा पराठा तैयार हो रहा है। ये हमारा पिज्जा पराठा बिल्कुल तैयार है, दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुका है। अब मैं इसको निकाल के डिश आउट करूंगी। ये हमारा पिज्जा पराठा बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको काटूंगी। बहुत ही गर्म है अभी, ये बहुत ही मजे का पिज्जा पराठा तैयार हुआ है। ये देखें, मैंने काट के भी आपको ये देखे दिखा दिया है कितना यमी और कितना मजे का पराठा हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली डिश के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।